67 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। तो पहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाएं 1500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग में मत जाओ, बैटरी फुल है, इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या नई जनरेशन है? आजकल इंडिया के हर जनरेशन नई जनरेशन है, इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। सागर श्री, एक सौगात, सागर संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आपके शहर में। 150 बेड, 16 स्लाइड सिटी स्कैन, हाई टेक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का एडवांस्ड ICU एवं 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के साथ हमारी टीम अब तैयार है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी या किसी भी अन्य गंभीर रोग के लिए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अत्याधुनिक उपकरणों, उच्चतम सुविधाएं एवं अनुभवी डॉक्टरों की टीम सागर में ही आपको कम कीमत में सर्वोच्च सेवा देने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। राहतगढ़ में एक व्यक्ति की मौत पर बवाल मच गया है और इस घटना के बाद पुलिस कटघरे में आ गई है। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मेरे पति की मौत पुलिस की मारपीट की वजह से हुई है। इस घटना के बाद मृतक का परिवार सदमे में है। मृतक के शरीर पर कई ऐसे निशान उभरे दिख रहे हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृतक के साथ मारपीट तो हुई है। मृतक के कान, गाल, पैर और पीठ पर मारपीट के कई निशान उभरे हुए हैं। दरअसल मृतक मोबाइल गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा था और दूसरे दिन मृतक की मौत की खबर थाने से आ गई। जब हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि अंदर थे, फिर उसके बाद वो हमको लेने आए, कहने लगे वो लोग हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे, हम रात में कह रहे सवेरे आइए पर लेकर, तुम चलो हमें खूब मार रहे हैं, तुम चलो हमारी रिपोर्ट लिखवाओ, हमारा मोबाइल ले लो, 1500 रुपया ले लें। आप थाने गए थे किनके साथ? हम गए थाने, कोई बच्चों को ले गए, बच्चा खुद बता दे आपको जी। क्या हुआ वहाँ पे? थाने में क्या हुआ उसके बाद? थाने में हम पहुँच के हमने कहा कहने लगे ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, सवेरे आना, तो पुलिस वाले थे दोनों लोग बोलने लगे देखो मुंशी की वर्दी फटा, हमने वर्दी कहाँ उसको बटन टूटा नहीं है, रुक जा हम साल ये दे रहे हैं, नहीं तुम साल दो जा हम आए रिपोर्ट लिखवाने, हाँ सर हमें आप रिपोर्ट ले लो, कहने लगी तो मैडम भी आ गश्त पे थी, वो लोग मैडम भी आ गई, कहने लगी रिपोर्ट अभी हम मना नहीं कर रहे, रिपोर्ट सवेरे लिखी जाए, उनकी रिपोर्ट लिख लो मैडम, घर नहीं दे कह कि हमें पता है, कहने लगी अब आप जा बहुत ज्यादा गाली बहुत देते हैं सर, ये तो सबको पता है गाली को देते, तो बस गाली दे तू गाली देगा तू गाली देगा, वो मारते जाए इनको, इसको कौन मारपीट कर रहा था? तो पुलिस वाले मारपीट, हाँ बच्चा जानता है, हमने भी फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने आधा घंटा हो गया उनके नाक से खून कहने लगा, फिर एक पुलिस वाला कहने लगा उसकी बनियान फट गई थी, कहले देख मैं रुक जा मैं तेरे को बताता हूँ, उन्होंने हल्की आज वीडियो बनाने लगा, वीडियो हमने भी अपना मोबाइल ऑन करो तो हमारे में पूरी नहीं बन पाई, तब न कैसी बनी बंद हो गई, उन्होंने बंद उनको फोन चालू रहा उसको उन्होंने वीडियो बना ली, कहने लगे अब रुक जा बताता हूँ, तुम जाओ हमसे बस हमसे तुम जाओ, वो आ जाएगा। ये थाने रुक गए थे कि लेके आ गई साथ में? नहीं रुके, कह रहे थे रिपोर्ट लिखो हम जब आएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बहुत गाली दे रहा है, वो ऐसे नहीं मानेगा, दोनों हाथ पाने पीछे करके ऐसे दोनों पैर बांधी और राइट साइड में डाल दिया लेफ्ट। फिर क्या हमने कहा अरे साहब आपने डाल दिया, कहने लगी कि चिंता मत करो अभी वो उतर जाएगी तो हम कर जाएंगे, तो हमने कहा सर उनको पानी पीना पड़ता है, पानी दे देना पीने के लिए, और क्या कहते एक कम्बल ठंड बहुत लगती है, क्योंकि आप पानी पीने की बात करते हमने तो बाल्टी भर के पानी कुड़ेल दिया, अभी तक कपड़े गीले हैं। वहाँ से कितने कितने बजे आए? वहाँ से हम 3:20 पे आ गए, घर आ गए। हाँ घर आ गए। राहतगढ़ के वार्ड नंबर 3 में रहने वाला मनोज सोनी शराब का आदि था और शराब के नशे में ही मोबाइल गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा था। थाना प्रभारी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मनोज सोनी शराब के नशे में अक्सर थाने आ जाया करता था, लेकिन थाना प्रभारी ने मनोज सोनी के साथ थाने में हुई मारपीट से साफ इनकार किया है।
पौने चार बजे के करीब एक मनोज सोनी है जो कि वार्ड नंबर 13 में रहते हैं, अत्यधिक शराब के नशे में थे। इनकी पत्नी और साथ में एक दो लोग थे, इन लोगों ने लेकर आए, थाने में छोड़ा। हमने इनको बताया कि भाई आप ले जाएं इनको सीधे अस्पताल, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है, आप ही इन्हें अस्पताल पहुंचा दें। क्योंकि थाने की गाड़ी जो है वो गश्त में गई हुई थी, गश्त से जैसे ही गाड़ी वापस आई हमने इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया, रास्ते में ले जाते इनकी मौत हो गई, तो मर कायम कर लिया है और उसकी जांच जारी है। मृतक मनोज सोनी के शरीर पर कई निशान दिख रहे हैं, चेहरे से लेकर पैरों तक में मौजूद ये निशान खुद कह रहे हैं कि मनोज सोनी के साथ कुछ तो हुआ है। फिलहाल मृतक के परिवारजनों सहित सभी को इंतजार है मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसी के बाद साफ कहा जा सकेगा कि आखिर मृतक के साथ हुआ क्या था।